ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଜି 2024-25 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନବମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5000 ଟଙ୍କା ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟାର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କି 3 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। तो शीतल तरंग बेउरिया लगातार भाव में आम सहित जोड़ी होती श्रीयुक्त बेउरिया आपको स्वागत आज बजेट को वरिष्ठ सांबादिक भाव में आप कमी आनालीसीस् करेंगे जदि आप 10 हिसाब से मार्क नेबा आप केते मार्क देते आज बजेट को कहीं ये मोहन सरकार के प्रथम बजेट नहीं देखो मु सेंट्रल बजेट को भी 8 मार्क दे दिली आ ए स्टेट बजेट को भी 8 मार्क दोची कहीं मोर सब जो बड़ डर था सीए करना इन द सेंस गत सरकार जो भल योजना थिला ताकु सबू इंटैक्ट रखी जदिओ ना परिवर्तन करा जाएगी किंतु इंटैक्ट रखी से सब बड़ कथा बिगेस्ट टेक अवे मुझे सेटा हो आपंकर जो BSKY ना जो गोपबंधु योजना चेंज करा जाएगी किंतु क्लीयर कट कही चीफ मिनिस्टर जे BSKY रे जहाँ जहाँ सब बेनिफिट पाते लोक मैंने से बेनिफिट निश्चित भाव पाइबे इन एडिशन टू दैट आपणकर आयुष्मान भारत योजना भी कार्यकारी करा जीवो स्टेट रे दैट मीन्स जे जो मैंने आयुष्मान योजना अधीन आसबे प्रिफर करेंगे अवेल करेंगे जमती पूर्व BSKY करुले सेमती बर्तमान आपणकर गोपबंधु योजन करेंगे आउ गोटे कथा हूँ आपणकर सेकेंड टेकअवे हूँ आपणकर जो कालिया योजना थिला कृषक मानक जानते ये जो बजेट होता चारिटा वर्गर लोक मान जनसाधारण को विशेष गुरुत्व दि जाएगी गोटे हूँ कृषक आउ गोटे हूँ गरीब आउ गोटे हूँ यूथ आउ गोटे हूँ आपणकर महिला तो तेणु जो कृषक मानक जो दि जाएगी जो कालिया योजना थिला ता बदल रे वर्तमान आपण CM किसान योजना कार्यकारी करा जीवो दैट मीन्स सेटा कंटिन्यू कर एटा होची बेस्ट डिसीजन सरकार करे यूजुअली देखा जाए जेतोले नुवा सरकार असंती सेतार भी लाभ पाइबे PM किसान योजना रे भी लाभ पाइबे तो तेणु आपण जो मालामाल कथा कहते सीटा भल से एथर बेनिफिटेड हे इन द सेन्स जोटा आनाउंस करते पूर्व 3100 टाँचा धान पर क्विंटाल दिज्व जोटा कि कंट्रीब्यूशन स्टेट राय 800 टाँचा कहीं 2300 टाँचा देवे सेंट्रल गवर्नमेंट 800 टाँचा स्टेट गवर्नमेंट भरणा करेंगे यहीटा गोटे भल कथ कृषक मान देखा भितर जो बजेट टी आज उपस्थापन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ता भितर विशेष करके जो सब दिग गुड़िक खाली पड़ा पदवी गुड़ी पूरण करने एक प्रकार कार्य करशेष भाव में फोकस कर सहित जो पछुआ वर्ग दलित एवं आदिवासी पिला रही हाथ खर्च दिज्वेपाय स्वतंत्र योजना करेखुंत ना यहाँ गोटे निश्चित भाव भल कहीं आज जानते हैं ड्रॉप आउट रेट से जो आदिवासी बहुत अंचल अच्छी ड्रॉप आउट रेट अलार्मिंग इंक्रीज होता इन द सेंस बहुत डेंजरसली इंक्रीज होता से बोधे अरेस्ट करने जो योजना आज फॉर द फर्स्ट टाइम जो आप
एक एक करके आज बजट में अर्थ की प्रावधान हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि महिला शिशु विकास में सुभद्रा योजना के लिए 10,000 करोड़ की व्यवराध हुई है। सितंबर 17 को सुभद्रा योजना के हिसाब से लोग इसका अर्थराशि प्राप्त करेंगे। और आगे जो सरकार थे वो बोलते थे बजट में प्रावधान नहीं करते थे, लेकिन हमारी सरकार है जो लोगों के लिए जो करना है उसके लिए बजट प्रस्तुत करती है, बजट में व्यवराध करती है, उसके बाद देती है। इसमें सरकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार मिलती है कि सरकार जो बोलती है वही करती है। ये इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि WCD और मिशन शक्ति दोनों का बजट का इस बार 3 times डेवलप हुआ है। पहले 6,224 करोड़ थी 23-24 में, इस बार पूरा बजट 70,000 से ज़्यादा हुई है, 70,000 करोड़ से ज़्यादा हुई है। और 2027 तक हमने 25 लाख लखपति दीदी बनाने की भी टारगेट ली है, जिसके लिए 1,162 करोड़ की बजट भी दिए हैं। तो महिलाओं की आगे लाने में प्रधानमंत्री जी की आह्वान के साथ उड़ीसा की मुख्यमंत्री ने शामिल हुई। विकसित उड़ीसा में महिला शक्ति की भूमिका को लेके किसकी मन में और संदेह नहीं रहेगी, क्योंकि ये पहली सरकार है जो 1 महीने के अंदर जो बोल के आई थी वो देना शुरू कर दिया है। टूरिज्म में पर्यटन को केंद्र ने एक खुला किताब बोल के दिया है। उड़ीसा के पर्यटन के भूमि के विकास के लिए निर्मला सीतारमण जी जैसे खोल के बोले थे, इस बार राज्य ने 800 करोड़ दिया है जो ऑल टाइम हाईएस्ट बजट है। इसमें सिर्फ टूरिज्म में प्रिमिटिव कल्चर के साथ हमारी उड़िया घर की खाद्य की भी देख रेख होगी, और जिस जिस भूमि के लिए वो डिक्लेयर किए थे। आपण शुणुले उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा और कहते सरकार जहाँ प्रतिश्रुति दिखती पूरण करती प्रतबद्धता प्रभाती पड़ा एक ये ऐतिहासिक बजेट बोली प्रतिक्रिया कहते तो आपड़ शुणुते जो भाई भाव में सरकार जहाँ जहाँ निष्पत्ति नहीं पूर्व आज बजेट प्रतिफलन देखा मिली श्रीयुक्त बेहरिया आपण पाक आसवाक चाहिए किसी पूर्व मोहयोगी आप क्वेश्चन रखुते जितने सरकार एणिकी हाथ खर्च देते आदिवासी दलित पछुआ को हाथ खर्च मिल माधव सिंह हाथ खर्च योजना होती 156 कोटी टंकार व्ययबरत कर सब बड़ कथ देखु प्रथम थर पर ओडिशा एभली गोटे योजना जहाद्वारा कि आम कहीपर जितने ड्रपआउट गोटे आदिवासी पिलां पछुआ वर्गों पर गोटे चिंताजनक विषय सरकार ताक आखि आगे रखी एभली योजना आनी एक ऐतिहासिक पदक्षेप डेफिनेटली गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप स्वागतिका कहीं आप जानते जदि प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करा जाए ताहले एटा मु कहि गोटे गेम चेंजर हम इन द सेंस आपण जो ड्रॉप आउट रेट अलार्म वृद्धि पाला डेंजरसली से वृद्धि पाला आदिवासी डोमिनेटेड एरिया गुड़ाक निश्चित भाव एटा कमिबो तो तेणु एटा गोटे भल योजना फॉर द फर्स्ट।